हे गाइस नमस्ते, व्हाट्स अप। भाई अभी बज रहे हैं रात के हमेशा की तरह 12:30। भाई दो एक दिन से ऐसे ही चल रहा है ना कि भाई मैं हमेशा जो है भाई रात ही रात में ब्लॉग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। क्या है ये है गाइस नमक। और नमक क्यों है? क्योंकि इस समय ना सौरभ भाई जो है भाई थोड़ा ना अपने पाओ को रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं, चेक दिस आउट। सौरभ भाई अभी क्या कर रहे हैं भाई, ये है मेरे पास गर्म पानी है इसके अंदर, और ना मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ गाइस ये नमक। क्यों करने वाला हूँ ना, बिकॉज आपको पता है लास्ट वाले ब्लॉग में ना हम लोगों ने बैडमिंटन खेला था और मेरे पास बैडमिंटन वाले शूज थे नहीं, किसी के पास नहीं थे, हम सब ना नंगे ही खेल रहे थे। तो उस वजह से वुडन कोर्ट पे पता है हम सबको क्या हुआ, मतलब लाइक मुझे और तीन चार लोग को और हुआ। देखो ये मेरा अंगूठा है ना गाइस, ये दिख रहा है आपको, तो ये दिक्कत आ गई है भाई सभी को। खैर ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, 2-4-5-6 दिन में तो चला ही जाता है ये। पर फिर भी भाई इसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ना मैंने सोचा गर्म पानी में पाँव डाल के थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। जाओ भाई नमक। गर्म है भाई पानी, थोड़ा गर्म है। मैंने ना इसके थोड़ा ठंडा होने का इंतजार नहीं किया, चुभ रहा है, पर कोई ना थोड़ी देर में नॉर्मल सा हो जाएगा। चलो बाय, गुड नाइट। फिलहाल तुम लोगों ने सुबह देखा सिनेमैटिक में सौरभ भाई सुबह सुबह उठ के बुलेट उठा के जो है भाई निकल गए थे कहां। तब भी भाई भाई सुबह से मुझे फोन कर दिया कि भाई सौरभ आ जा, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में भाई। और इधर देख लो भाई ये वीडियो कॉल पर कौन है, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए कौन है कौन नहीं है। ब्लॉग कर रहा हूँ मैं, ब्लॉग तुम्हें दिखा कौन रहा है, तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा ब्लॉग पे, टेंशन मत लो। मैंने तय करा है भाई आज के बाद से ना इस बंदी को मैं ब्लॉग में लेने ही नहीं वाला हूँ, कभी नहीं लूंगा भाई, कभी नहीं लूंगा। ये देखो भाई सोकर उठी हूँ, तो भाई मैं भी तो सोकर ही उठाऊँ गाइस, अभी मैं सो के उठाऊँ, डायरेक्ट आया हूँ भाई मैं डायरेक्ट। अरे भाई क्या, चल फेशियल भाई, फेशियल करके सही कह रही से तो, भागो यार तुमसे बात नहीं करनी, रखो भाई इस पे हटो। ये देखो भाई ये तो ठूसने ही चालू कर दिया भाई, पेपर कैसा गया, फेल टॉप भाई इसका पेपर इतना रद्दड़ गया है ना भाई। मैंने इसको बोला भी ये रात में ना बैडमिंटन खेलने चला गया था, मुझे ही बुला रहा था 12:30 बजे कल, मैंने कहा अति मत कर, पढ़ पढ़ ले IAS IAS बन। पर नहीं भाई इनको तो छोला कुलचा की दुकान खोलनी है, छोला कुलचा खाना है आगे। ये भाई ये देश का फ्यूचर है, देखो मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो गाइज तुम लोग को मालूम है ना ये कौन से वाले छोले कुलचे सरदार जी लगाते हैं 11 सुबह, मैंने पहले भी तुम लोग को बताया कि बहुत ही अमेजिंग वाले छोले कुलचे ये लोग देते हैं। तो चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मिलता हूँ तुम लोगों से, है ना। चैलेंज देखो तुम लोग, एक और प्लान है, मतलब मैंने सुबह उठाऊं तो भाई तुम लोग को पता है बॉर्नविटा भी पिया नहीं है, तो आज के लिए गाइस बॉर्नविटा कैंसिल, मतलब कैंसिल दिन भर के लिए कैंसिल नहीं, फिलहाल के लिए कैंसिल, दिन में नहीं पियेंगे रात में पी लेंगे। क्योंकि मैंने गप्पी को बोला है भाई चल तुझे एक मस्त जगह लेके चलता हूँ, ठंडा वाला मस्त जो है दूध पिलवा के लाता हूं, है ना। तो चलो तुम लोग को तो शायद पता ही होगा कहां जा रहे हैं, क्योंकि मैंने शायद अपने ब्लॉग्स में पुराने ब्लॉग्स में तो दिखाया ही है, एक लोकेशन है वहां जाके मैं ठंडा दूध कभी कभी पी लेता हूं जब मन करता है। उतर जा जनाब, क्या बैठा है। हम लोग भाई एक्सयूवी से नहीं जा रहा, मैंने कहा कि भाई प्रीति से ही चल, क्योंकि प्रीति तुम लोग को पता है ना वैसे ही मैं बहुत कम चलाने को मिलती है, भाई प्रीति से ही घूमते हैं, है ना। कैसा है, सही है? अबे हाँ हो गया फेल, अब क्या दिन भर ऐसे ही मुंह बनाएगा। नींद भी हुई है भाई है? और खेलो भाई रात रात भर, नींद कैसे होगी भाई, मैंने दिन भर लिया रात रात भर खेलो, क्या खेल रहा था यार ये ना भाई आधे घंटे से अर्जिता से बात ही कर रहा है वीडियो कॉल में भाई, मतलब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ और ये ना आधे घंटे अर्जिता बात कर रही है। अच्छा अर्जिता कर रही है। विक्रम वेताल देखा आपने, वेताल जो है भाई चिपक जाता है गर्दन पे पीछे, बिल्कुल वैसे चिपक गई है भाई। कहती मुझे लग रहा है मैं साथी हूँ, मुझे लगा हाँ मैं भी ऐसे ही लग रहा है। भाई बहन कैसा दिख रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ गाइस, बता रहा कप्पी भाई बढ़िया नहीं लग रहा भाई, कितना स्मार्ट लग रहा है तू भाई, सारी जितनी मेरी भाई फीमेल फॉलोअर्स होंगी ना सब कहेंगी कप्पी तो एक नंबर लग रहा है। चल झूठा। चलो भाई दूध दूध पीते हैं थोड़ी देर और अर्जिता को जो है भाई भगाते हैं वीडियो कॉल से और फिर जो है आगे का ब्लॉग खेलते है ना, अभी खेलते आगे का ब्लॉग करते हैं। तो हाँ जी गाइस वी आर बैक, अपन आ गए वापस घर पे और रास्ते में अपन ने आते टाइम भाई दूध भी ले लिया घर के लिए, बिकॉज मम्मा ने बोला था दूध लेते आना, तो ये छोटे मोटे काम सौरभ भाई को ही निपटाने पड़ते घर के। तो चलो भाई अंदर चलेंगे, अब ना मैं थोड़ी देर बैठूंगा और घर पे जो ढोकले वगैरह बनाए शायद मम्मा ने वो खाऊंगा, तुम लोग को भी दिखाता हूँ कैसे बने। और अपन को थोड़ी देर बाद ना रेडी होके चलना है पीयूष भाई के घर पे, बिकॉज उनके घर एक फंक्शन है, उन्होंने इन्वाइट किया है, मुझे भी पता नहीं एक्जैक्टली क्या फंक्शन है, वो तो वहीं चल के समझ आएगा। कप्पी ने मुझे बोला कि पीयूष भाई के घर चलना है अपन सबको 2:30 से 3 बजे के बीच में, ठीक है। तो कप्पी भी घर गया है, वो
भी रेडी होगा, एक डेढ़ घंटे से आएगा। जब तक मेरे को भी टाइम है, मैं भी अपने काम निपटा लेता हूँ। लास्ट वाले ब्लॉग पे तुम लोगों ने जो कमेंट्स करे उसके रिप्लाई भी कर देता हूँ, और बस फिर उसके बाद जो अपन लोग निकलते हैं। इसमें क्या, हाँ इसी में चेक कर दिस आउट भाई, तो शानदार ढोकले बने भाई। अपनी मम्मा ना भाई खाना वाना तो बहुत ही सही बना ली थी। चलो एक चीज तो भाई बहुत अच्छी है, खाना ठीक ठीक बना लेती है। ठीक है, बस बस बस, हाँ खाना ही अच्छा बना पाती हो और कुछ नहीं। मेरी मम्मी कह रही कि सब खाना ही अच्छा बना पाती हूँ है। हाँ भाई हाँ, मुझे नहीं पता था मम्मा वहाँ पीछे खड़ी है, मुझे लगा सिर्फ दीदी काम कर रही है। मम्मा भी वहीं थी, अंदर ही थी भगवान वाले मंदिर वाले रूम में। कहती कि हाँ बेटा सही कह रहा हूँ, मम्मा सिर्फ खाने ही तो बनाती है, अच्छा और कोई काम नहीं करती। तो भाई हम लोग आ गए पीयूष भाई के यहाँ पे, बताया था ना एक फंक्शन होने वाला है, पता नहीं किस चीज़ का है, वो तो जाके समझ आएगा। बाकी चेक दिस आउट भाई, पूरा रेडी वेडी हो गया काफी टाइम बाद, जो है भाई ब्लैक वाला शर्ट वापस से डाला है। आज मेरा ना मन कर रहा है कि भाई मैं ना कुछ पिक्चर्स वगैरह निकालूंगा। आजकल ना मैं इंस्टाग्राम पे पहले तो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, बट अब से ना मैं सही बता रहा हूँ हफ्ते में दो या एक पोस्ट इंस्टाग्राम के लिए ना भाई डेली निकालूंगा तुम लोगों के लिए, है ना। Hey guys, good morning भाई। आप लोग सोच रहे होंगे सौरभ भाई अभी तो जो है आप गए थे शाम में अपने फ्रेंड के एक फंक्शन में, तो बेसिकली ना गाइज उस फंक्शन के बाद भाई कुछ ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हम लोग बस बैठे हुए थे, हम लोग ने आपस में बातें बातें करी और फिर मैं घर आ गया। घर आके ना मुझे अपने घर के काफी सारे कामों में मैं उलझ गया, तो मैंने सोचा आज के लिए ना व्लॉग नहीं करते, तो फिर मैं सोचा भाई नेक्स्ट डे उठकर ना थोड़ा बहुत जो है व्लॉग कर लेंगे। तो फिलहाल तो गाइज चेक दिस आउट, ये रखा है अपना टैब और ये है बॉर्नविटा। अभी मैं टैब लेके इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं देने वाला हूँ भाई तुम सारे भाई लोगों को शाउट आउट, क्योंकि काफी सारा टाइम हो गया भाई तुम लोग मेरे पीछे लगे हुए थे, सौरभ भाई शाउट आउट दे दो, सौरभ भाई शाउट आउट दे दो। भाई मैंने काफी सारे भाई लोगों के जो है भाई नाम लिख लिए ऑलमोस्ट। अब गाइस अगर एक आध भाई लोग के अगर नाम छूट जाए ना या मुझसे रह जाए, प्लीज यार परेशान मत करना कमेंट सेक्शन में आके, सौरभ भाई ले लो ले लो। नेक्स्ट शाउट आउट अपन जब भी देंगे ना मैं उससे पहले तुम लोग को अपडेट दे दूंगा, के बाद जो है ना मैं तुम सारे के जो है भाई नाम ले लूंगा। फिलहाल के लिए भाई जिन भाई लोगों के मैंने नाम लिखे उन लोग को शाउट आउट देना मैं करता हूँ भाई शुरू। पहला जो नाम है भाई वो है सोनू वर्मा भाई का। सोनू वर्मा भाई थैंक यू सो मच, तुमने इतने टाइम से भाई कमेंट्स करे हैं मेरे चैनल के ऊपर कंटिन्यूअसली, और भाई तुम कमेंट्स करते भी रहते हो, तो थैंक यू सो मच सोनू वर्मा। सेकंड नाम है भाई आयुष करके एक भाई है, तो आयुष भाई थैंक यू सो मच भाई, तुमने बहुत सारे कमेंट्स करे, तो बिग शाउट आउट टू यू आल्सो ब्रो। तो भाई फिर एक यूनिक बॉय करके एक यूजर नेम था, तो भाई उस भाई ने भी काफी सारे कमेंट्स करे थे, हालांकि मैंने रिप्लाई भी किया था भाई को कि भाई अपना नाम छोड़ दो नीचे, चीज का अभी तक रिप्लाई नहीं दिया था मुझे कि यूजर नेम से शाउट आउट देता हूं, तो यूनिक बॉय थैंक यू सो मच भाई, है ना। और भाई चौथा नाम है तरुण साहू व्लॉग्स करके एक भाई है, तो तरुण साहू थैंक यू सो मच यार कमेंट्स करने के लिए रेगुलरली, थैंक यू सो मच। उसके बाद है भाई भानुशाली राजकुमार, तो भानुशाली राजकुमार भाई अगर तुम वाला वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच तुमको भी भाई, है ना। और उसके बाद आता है भाई मंजीत यदुवंशी भाई को, तो मंजीत भाई थैंक यू सो मच तुमको भी यार, तुम इतना कमेंट्स करते हो, इतना प्यार दिखा रहे हो इतने टाइम से, थैंक यू सो मच ब्रो। उसके बाद है भाई कनन गेमिंग तो ना भाई इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो भाई हर जगह जो है भाई कमेंट्स करता है, थैंक यू सो मच भाई कनन भाई, थैंक यू सो मच, यही प्यार चाहिए मुझे एंड तक, है ना। ये सिर्फ दो दिन वाला प्यार नहीं चाहिए कि शाउट आउट मिल गया तो अब जो है गायब हो जाओ, तुम सारे सारे भाई रेगुलर चाहिए तुम लोग के कमेंट्स मुझे, ठीक है। और भाई लास्ट नाम है हर्षित सिंह परिहार, तो हर्षित सिंह परिहार भाई थैंक यू सो मच तुमको भी इतने सारे कमेंट्स करने के लिए मेरे वीडियोस के ऊपर, है ना। तो गाइस पता है ये कौन लोग है भाई, ये वो लोग है जो 5 बजे मेरा वीडियो जैसे आ जाता है ना चैनल के ऊपर, ये लोग 5:30 से 5 के बिटवीन में ना तो भाई मेरी वीडियो को देख ही लेते हैं। अब भाई आखिरी दो नेम्स मैं और लूंगा, वो नेम्स मैंने अपने टैब के ऊपर गाइस लिखे नहीं थे पर यार मेरे दिमाग में वो नाम छपे हुए हैं, वो कौन से नाम है गाइस। एक तो है रूपाली साहू भाई, ये लड़की ना भाई मैं बता रहा हूँ जब से मैं व्लॉग्स डालना शुरू कर रहा हूँ या जब से इसने मुझको देखना शुरू करा है भाई, ये बंदी ना रेगुलरली जो है भाई मेरे व्लॉग्स को देखती है, कमेंट्स करती है भाई, इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम के फोटोज हो स्टोरीज हो भाई हर चीज पे रिप्लाई करती है, तो थैंक यू सो मच रूपाली साहू। और एक और भाई मुझसे जुड़े हैं भाई तेलंगाना से, उनका नाम है तौसिफ करके, तो तौसिफ भाई तुमको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं देख रहा हूँ भाई तुम भी रेगुलर जो कमेंट्स करते हो, लव यू सौरभ भाई, और बहुत सारा अपना प्यार दिखाते हो, तो थैंक यू सो मच मेरी जान, तुम सारे के सारे मेरी जान हो। और भाई जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं कमेंट्स ही करते हैं, क्या भाई शाउट आउट मिल रहा है, शाउट आउट जाओ ना कमेंट्स करो भाई, देरी किस बात की है ना, जल्दी जल्दी जाओ मस्त मस्त कमेंट्स करो और ना अपना शाउट आउट ले।